शायद साजिश का हिस्सा ये लोग भी थे। या बताएं हमें इनको क्या कहा गया वहां। आप देखना कभी ये जुर्रत नहीं करेंगे कि 27 जुलाई को इनकी बात क्या हुई थी। बताएं ना, किस मुंह से बताएंगे कि हम हां करके आ गए। जिसके लिए आज सीना पीट रहे हैं उसका जब खुद ही हां किया। और आप देख रहे हैं बीजेपी वाले भी हर जलसे में कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान। बाल भी का इनका नहीं किया, बाल बेटा नहीं इनका करेंगे। 370 गया, 35 ए गया, इनके मरा वही आज भी जो 370 में थे। क्या यही 370 हटाने का मतलब उनके लिए और हमारे लोगों को कोई आवाज नहीं सुनता। डीसी के पास जाएंगे डीसी नहीं सुनता, थानेदार के पास जाएंगे थानेदार नहीं सुनता। जो कानून दिल्ली को अच्छा लगता है, अपने हित में लगता है वो राइज करते हैं, जो हमारे लोगों के हित में वो राइज नहीं करते। बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट एक्ट लागू करवाया, वो भी उनको याद दिलाते वहां उसी दिन जब हम 15 तारीख को मिले, 16 मार्च को लगाया गया। ये रही बात, मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि साहब 370 और 35 के हवाले से एक वादा यहां करते हैं। अल्लाह के फजल से हम 370 और 35 ए के लिए सुप्रीम कोर्ट में बराबर लड़ते रहेंगे। और खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बरक्स आता है, हम ने जो दरवाजा 14 और 15 मार्च को खुलाया है उस दरवाजे पे जाकर फिर दस्तक देंगे। मुझे बताएं ना, ये पार्टी जो सीना ठोकती है, रोज कहती है कि हमने ये 370 की बहाली के लिए ये अलायंस बनाया, 35 की बहाली के लिए वो अलायंस बनाया, हमें रोड मैप तो बताएं, रास्ता क्या है, इनका तरीका क्या है वापस लाने का। हो सकता है हम इनके पीछे पीछे चलें, क्यों, ये तो सबका मुद्दा है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी फर्द का नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों का मुद्दा है। ये क्यों नहीं बताते हैं रोड मैप। जज्बाती नारे देने से ये शायद हमारे नौजवानों को गुमराह करेंगे, नौजवानों को गुमराह करके नौजवानों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले ये लोग हैं और बाद में बात तक नहीं करते। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, याद करो क्या इन लोगों ने इस दौरान कभी SRO 202 की बात की। अपनी पार्टी ने बात की, आवाम ने हमें हमेशा मोहब्बत दिया है। आज इनको ये तो बताएं ये पार्टी क्यों बनी और इसके पीछे मकासद क्या कार फरमा है, और इनको एश्योर करने के लिए कि जो 370 और 35 ए हमसे हटाया गया है, हमारी रियासत को जो डाउनग्रेड किया गया है, इसकी हुसूली का रोड मैप क्या है अपनी पार्टी का, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ हैं। नहीं, हम देखिए, हम तो ये वादा ही नहीं करते हैं, हम ये कमिटमेंट है, दिस विल बी ए कमिटमेंट, दिस विल बी ए पार्ट ऑफ आवर एजेंडा। जैसे आपको मालूम है जिस वक्त पार्टी का गठन हुआ, हमने तीन चीज़ें कोर एजेंडा में रखी थी। वो ये था कि हम जब तक 370 और 35 ए वापस आएगा तब तक हम एक सेफ्टी वैलो लाएंगे। हमने लाया नौकरियां सब बच्चों के लिए रिजर्व करवाई, हमने ज़मीनों का तहफ़ किया, एक वोट लोगों से नहीं लिया कि कोई वोट तो नहीं लिया ना, हमने स्टेटहुड का कहा है। इसी तरह हम पानी, बिजली, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन। आप ये कहते हैं अभी शर्म की बात है, अभी तो 70% जो हमारे गर्ल्स स्कूल हैं उनमें टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है, और ये लोग कहते हैं हमने 70 साल में बहुत कुछ किया। देखिए, दहशतगर्दी बढ़ने का सीधा सा ताल्लुक इससे है, जब डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के नहीं हों तो लोग किसके पास जाएंगे। लोग एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि तालमेल बनता है सरकार और लोगों में, वहाँ से लोगों को जो छोटी बड़ी मुश्किलात होती हैं उनका अजाला होता है। लेकिन अफसरशाही है, इनको पता है हमारा टेन्योर 2 साल के बाद